सबसे शाना वाला जो जाके है मन के भीतर, मन के भीतर बोलो कहाँ है ना भीतर। मेरे पीछे मैं, मेरे आगे तू, रन रन कभी आगे तू, कभी पीछे मैं, फान फान देखेगा चलूँगा अब तो तू, with my gun gun देखी तो बच के निकलेगा ये तो डन डन। तेरा बाप आया तेरा शराब पाया। तो फिर तो आठ हो गए, चार मैं भी हूँ। तो आज हम लोगों के गेस्ट हैं, हमारे पास आज दो गेस्ट हैं, जनरली हमारे पास एक ही होता है, दो इसलिए हैं क्योंकि अच्छा शो खत्म होने दो, आपको खुद पता है। राइट हैंड साइड पे जो बैठे हुए हैं उनका नाम है विक्रमजीत सिंह मन्हास, ये बुल राइडर्स कैफे के ओनर हैं, सुकराला ट्रेवल्स के ओनर हैं, और सर बाकी मतलब तगड़े धूम, बाकी हाँ मतलब एकदम साउंड साउंड वेरी साउंड। हमने इनको इसलिए भी बुलाया हुआ है कि तीन चार एपिसोड्स के बाद हम स्पॉन्सरशिप भी मांगते हैं। असली बात हमारी मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे जो है इनका नाम अमनदीप सिंह बोपरे जी है, इनको आप सब मोस्टली जानते ही होंगे, ये एक्स सर्विसमैन है, अभी सोशल वॉरियर है, मैं सोशल वर्कर नहीं बोलूंगा इनको, वॉरियर बोलूंगा, क्योंकि जितने भी सोसाइटी में मुद्दे होते हैं, किसी के साथ भी गलत हो रहा है, यू विल फाइंड हिम देयर। तो इनको मतलब मेरे को इतनी डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत ही नहीं है इनकी, आप कहीं पे भी गलत होता देखें उसको सही करते हुए जो लोग दिखेंगे ये आपको वहां पे जरूर दिख जाएंगे। वो हरिद्वार में जा रहे हैं अपने पाप धोने, है ना, कच्चे धोने जा रहे थे। तो पीछे सीबीए लगी तो लोगों जो हमारे जैसे ही है, हम तो पहले ही बोलते हैं कि हमने राजनीति करनी थी भाई साहब। अब क्या कर सकते हैं, ये तो बेचारा कहीं पीएस के लगा के हम अंदर ठोकेंगे। नहीं सर, एक्चुअली ये एक ना वो हो गया कि मेरे को ऐसा लगता है, मतलब मेरा आइडिया जो है, मेरे को ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स में रूलिंग पार्टी का जितना इम्पोर्टेंट रोल है ना, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल ओवर आ सर, इतना टाइम नहीं, ये गलत बात यार। अब मैं क्या बोलूं, बता ये क्या बोलो, सबको पता ही है जो ऐसे अपने वो साफ आदर गाते हैं, नाम ले लो सर, हाउ डज इट मैटर, इंटरनेशनल लीडर हमारे। अच्छा कैसे चमत्कार चमत्कार वही है टोल टोल लाने वाला, दे 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 तो हो रहा है नाम ही लेना जो चमत्कार वो थ्री डेट वाला चमत्कार में चमत्कार। ठीक है सर, एक ना मैंने बड़ी एक अमेजिंग सी चीज है वो मैंने ना नोटिस की है अपने जेएनके के लिए, सिर्फ जम्मू के नहीं कश्मीर के भी, कि जिस बात पे ना बहुत श्योरिटी से बोलते हैं ना कि ये नहीं हो सकती, सारी वो हो जाती है, और जो ये बहुत श्योरिटी से बोलते हैं ये करेंगे वो होता नहीं है। मैं शुरू करता हूँ उमरतुल्ला साहब से, उन्होंने कहा, मुफ्ती जी ने कहा 370 रुपये टारगेट दिया, राणा जी ने कहा था, नहीं इन दोनों ने कहा था, ठीक है, उन्होंने कहा कि हम 370 को हाथ नहीं लगा सकते, कोई झंडा नहीं उठाएगा, हट गए। They can't touch Article 370. They without the consent of the state, they can't touch it. Suppose एक बार आप 370 को खत्म करते हो, then India becomes an occupational force in Jammu and Kashmir. भगवान। राणा साहब ने कहा मंदिर बनाए लिया, मंदिर बनाए लिया, 370 हो गया, 370 तोड़ ली, टूट गई। क्या राम मंदिर बनी है? पिछले बारी बना था, बनी है 370 हटी है, हटा दा। एक टोल लगा, एक यार मैं यार राणा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा एक इंटरव्यू और दें, और बस इतना बोल दे टोल कुटी ले, टोल चीज लाई हो गया, मैं इतना ही चाहता हूँ, इससे ज्यादा नहीं चाहता। लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑफ फॉरगेट इट। बाकी बोल दे, मेरे को पता है कि ये बोलेंगे हो जाएगा। पूछिए जिससे भी, हाँ जैसे भी पूछिए, जाओ यार आप भी पूछा सकते हो,
नहीं नहीं मैं वो बोल रहा हूँ, रैना साहब ने बोला कि एक तो लगा मैंने गडकरी साहब को चिट्ठी लिख दी है हट जाएगा। अच्छा गडकरी साहब ने वो चिट्ठी दे जहाज बनाई है दवाई भी हो रहे हैं मेरी बात थी सर, चिट्ठी तो मैंने भी लिखी थी किसको गडकरी को, उसने मेरे जवाब ही नहीं दिया जैसे इनका नहीं दिया नहीं इनका भी पार्टी आप ले दो आपका जवाब नहीं आया वो तो समझ में आता है मेरे तो जो उनको जवाब आया वो किसी को बताया नहीं उन्होंने आया वो तो बताएगा नहीं आप समझे नहीं यार जिनको सुबह तक ये नहीं पता होता कि सेंटर क्या डिसीजन लेने वाला है इधर इधर वो करते हैं बार बार धमाके हो गए क्वेश्चन क्वेश्चन हटाने के लिए कि बार धमाके हो गए उनको सुबह पता लगता हो यार इतने से फुटेज मिलनी नहीं तो ये सब कम्युनिकेशन कैसा है सेंटर के साथ। मैंने भी रिसेंटली देखा भी वो एक लड़की लेडी ना वो माइक लेके जा रही है वो सर आपसे बात करनी है सर कैमरा देख के आया हुआ था लैक्मे सैलून आए हुए सर भाग गए सर का पता क्या चक्कर है देखो अब यार आपके साथ होगा ना तब आप भी ऐसे ही करोगे रात को सर इंटरव्यू दे रहे हैं कि हम सोचेंगे जब हमारी सरकार आएगी सुबह स्क्रैप भी हो जाता है तो यार ऑब्वियस सी बात है बंदा डर जाता है कि मैं कुछ बोल दूंगा सुबह तक वो भी हो जाएगा तो मेरी इज्जत क्या रहेगी। चाइना हाय हाय किडनैपिंग हाय हाय किडनैपिंग हाय हाय किडनैपिंग हाय नहीं इसमें एक एक ना सीरियस नोट में एक चीज ये है कि बीजेपी की लोकल लीडरशिप की अपनी सेंट्रल लीडरशिप से जीरो कम्युनिकेशन। आपको ये नहीं पता लगता आप एक्स स्पीकर हो आप एक्स डिप्टी सीएम हो आपको ये नहीं पता कि कल पॉलिसी कौन सी चेंज होने वाली है। ये बता रहा है कि आपकी नजर में या उनकी नजर में आप जीरो हो बिल्कुल। और इससे अच्छा तो ये बोल रहे थे ना जो चंगियां कांगड़ियां बुखारियां उस बंदे ने उसका स्टेटमेंट है कि ये हट जाएगा उसने कहा था उसने एक दो दिन पहले कह दिया था ये जी हो जाएगा मतलब कि आपका बुखारियां भी है बुखारी चल रही डायलॉगबाजी नहीं मत करो कम से कम प्रोजेक्ट करो। उनको पता है कि ये लीडर ऑफ मासेस नहीं है इनको मोदी जी के चेहरे पे बनाया हुआ लीडर है ये नहीं होंगे कोई और होगा कठपुतलियां मत बनो अपने लोगों को रिप्रेजेंट करोगे तभी लोग साथ चलेंगे। सर मेन पता क्या है इनमें बस ये है कि जो कनेक्शन है ना सेंटर अपना जम्मू का हाँ। वो जो कनेक्शन है ना नाम नहीं लूंगा मैं उस बंदे का जो जो भी मतलब आगे रिपोर्ट देते हैं वो देते ही नहीं है उसे okay. यहाँ तो मेरे को लगता है कि ये खुद ही चाहते हैं कि जो जम्मू की लीडरशिप है ये खप्पे हो जाए सीधी सी बात है जहां पहुंच के कह रहे हैं एक भी बंदा बताओ यार बीजेपी में जिसकी मतलब बोलने का ढंग है जिसको शर्म आनी चाहिए नहीं डुबिया मरना चाहता तवी पानी च नहीं तवी पानी गंदा हो जाना कुछ और डुबिया मरना चाहता यहाँ तो बोलेंगे नहीं ठीक है यहाँ तो ऐसा बोलेंगे कि जो इनको खुद भी नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ ठीक है ना यहाँ तो मतलब हद से ही ज्यादा बोल देंगे यार ऐसे थोड़ा आज वो विकिपीडिया पे पप्पू आ गया हुआ है राहुल गांधी ऑफ जम्मू बीजेपी वो किसने किया है वो छेड़े हैं हम कन्हैया बेरी कन्हैया एंड एवरीबॉडी प्लेस इट ऑन राधा वो जिसने भी किया हो गया ना हो गया और हो गए यार सारे बोलते हैं बीजेपी वाले बोलते हैं यार इस चीज से हां हां ये मतलब बोल लोगे ना अब ठीक है आप उसका मजाक उड़ाते हो ना वो जैसा मर्जी है बोलेगा हाँ वो भी है पप्पू वो भी है पर आप भी तो वही चीज कर रहे हो आप भी वही चीज कर रहे हो आप भी बोल मतलब बोल देते हो ये कर देंगे वो कर देंगे होता होते हैं। दूसरा ये है कि आप ही सेंटर में कोई नहीं सुनता नहीं मैं बेटा तुमसे ना हो पाएगा हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे तुमसे ना हो पाएगा ये मतलब स्टेटमेंट दे रहे हो यार तुम ये मतलब कि इन्होंने पता क्या देखा माइक इन्होंने सोच रहे माइक आया कुछ भी बोल दो ए ऐसे ही है इन्होंने वोट मोदी जी को देना जैसे वो आपके पास ऑप्शन ही क्या है आपके पास ऑप्शन क्या है देयर इज नो ऑप्शन सही बोला उसने हाँ बेशक जैसा मर्जी बोला बोला उसने सही है ऑप्शन हमें बनाने पड़ेंगे। देखो वो किस लिए बोल रहा है क्योंकि ये अपनी जब वहां बैठते हैं ना मीटिंग्स में तो वो बोलते हैं यार इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो वही बातें जो है मैं मेरे को लगता है वो बेचारे थोड़े सीधे से है ये तो झूठ है सीधा कोई नहीं है मेरे को सारिया गल कढ़ाई मुसीबत फाड़ दो नहीं नहीं सीधा इन द सेंस के डिप्लोमेटिक तो मान नहीं ना सकते तो वो फंस गए उधर आपके पास ऑप्शन ही क्या है उन्होंने सुना होगा कि आपके पास ऑप्शन ही क्या है तो उन्होंने भी हमें बता दिया तो ये मतलब कि ये एक दिखा रहा है कि वो अपनी मीटिंग में बात करते हैं कि ये ऐसे ही है इनके पास कोई ऑप्शन आप जो मर्जी करो आप काम करो नहीं करो इनको ये लगा ना कि बाकी ये सच भी है
ओके क्योंकि हमारे लोगों ने ऑप्शन बनने नहीं दिए सर। ये तो देखो ना ऑप्शन हमारे यहाँ से ही होंगे। अब आप बोलोगे 370 बेशक टूटिया दिल्ली से थोड़ा लीडर है यार, बिल्कुल उसको क्या पता लोकल लीडरशिप लोकल प्रॉब्लम्स क्या है क्या है। अगर आपको लोकल प्रॉब्लम चाहिए देखो ना, आप दिल्ली से या पंजाब से उठ के कोई लीडर यहाँ नहीं आएगा, यहाँ है भी कुछ नहीं, आपने कोई इंडस्ट्री नहीं दी है, वो कुछ नहीं दिया, वो कौन आएगा यहाँ से, यहाँ सिर्फ आएंगे कश्मीरी, यस और कोई नहीं आने वाला। तो जब आपने अपनी लोकल लीडरशिप ही खत्म कर दी है, फिर आप चिल्ला किस लिए हो। मैं यही कह रहा था कि आप रोते हो जब एक बच्चा रोता है ना, तो माँ तभी दूध पिलाती है। तो यहाँ ये है कि इन्होंने रोना ही छोड़ दिया हुआ है, तो अब इनकी माँ भी भूल गई है। जो लीडर आते हैं उनको पता कि यहाँ तो हमने लवासियां करनी है, किसकी, दिल्ली के लीडर्स की, या हम कश्मीरियों के लवासे बनेंगे, टिकटें हमें तब मिलनी है, और टिकटें मिल गई तो ये ऐसे नल्ले और नलायक है, इन्होंने मोरे लगानी है चेहरे पे, इन्होंने मेरी और नहीं देखनी। मैं बोलता हूँ अगर गधा खड़ा कर दो उसको भी ये दे देंगे कि ये जी पार्टी के नाम पे, तो करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर, हमारी पावर है। जब तक हम कह रहे थे करो 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 तो कह रहे थे तुम करो, आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे। और वो अब वो काम थोड़ी करेगा, उसने आपने तो जिताया उसको किसी और के नाम पे है, तो वो तो काम करेगा नहीं। तो यही चीज हमारे हमारे लोगों की भी बहुत बड़ी गलती है। जनरली मैं शो एंड करने से पहले ना आप जो हमारे गेस्ट होते हैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हो, लेकिन आज मैं ना नहीं बोलूंगा आप लोगों को वो करने के लिए कि आप लोग यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हो। मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि आप पूरे जम्मू के लोगों को, पूरे कश्मीर के लोगों को, हमारा जम्मू कश्मीर जो है या तो अलग कर देते जब नहीं किया, एक रहने दिया, तो जब तो मतलब ऑप्शन नहीं है हमारे पास, मिलजुल के रहना ही पड़ेगा। तो जम्मू और कश्मीर सबके लिए एक मैसेज जो आप देना चाहते हो, सब लोगों को, कोई यूथ नहीं, कोई पर्टेनिंग कुछ नहीं, सब लोगों के लिए, कि मतलब ऐसा क्या करें कि हमारे हालात जो हैं वो इससे बेहतर हो। सबसे बड़ी बात है यूनिटी। छोटी एग्जांपल देता हूँ मंदिर वाली, कोई बड़ी बात नहीं थी जेडीए के लिए, कोई बड़ी बात नहीं होती किसी बिल्डिंग को गिराना या अपना करना, जेडीए और जेएमसी के लिए बड़ी बात नहीं है। बस ये 100 साल पुरानी दुकान में आता है यार, रात को कर्फ्यू लगा होता है, रात को जाके तोड़ देते हैं। सबसे बड़ी बात थी कि सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थी, सोशल हो, रिलीजियस हो, पॉलिटिकल हो, पॉलिटिक्स बाहर छोड़ के ना सारे इकट्ठे हैं, इकट्ठे, सिर्फ एक ही दिन इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, दूसरे दिन नहीं की, सिर्फ एक दिन किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस से पता लग गया कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आई है, अगले दिन अपने आप ऑर्डर कैंसिल हुआ, मानते हो ना, ये सबसे बड़ी चीज। बिल्कुल ठीक है, और सबसे बड़ी हमारी यही खामी रही है, इकट्ठे नहीं होते, इकट्ठे नहीं बोलते नहीं। हम क्या करेंगे, हम 5 साल पुराना दोस्त भी होगा ना, हम यार पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो भी ना उस पर फ्रेंडशिप तोड़ देंगे, तू फ्रेंड है, तू बंदा है, तू उसको सपोर्ट करता है, ऑब्वियसली बात मैंने खुद देखा है यार, बंदे लड़ पड़ते हैं यार, वो चीज मत करो यार। ठीक है, हो सकता है पॉलिटिकल आपका कुछ एफिलिएशन अलग हो, किसी का अलग है, आपकी दो बंदों की सोच कभी मिलती नहीं मिलती, घर पे भी मिलती है, घर पे भी कई बार हो जाता, पर इसका मतलब ये नहीं है कि यार उनको क्या भाई, मुफ्ती और अब्दुल्ला साहब ना इकट्ठे पैकेज लगाते थे यार यहाँ पे अपना गोल्फ कोर्स में। सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो, बाहर लड़ रहे हैं लोगों से, उनका कुछ नहीं जा रहा, अंदर सारे एक ही जैसे हैं, और हम इनके पीछे एक दूसरे लड़के अपनी दोस्तियां तोड़ रहे हैं, गालियां निकाल रहे हैं, कोई कह रहा तू इधर आ रहे, आता है नहीं, अपना दिमाग खराब कर फोन तो चलो कोई करता नहीं मैसेज, तू ये करता तू बाहर ना, मैं आता ब्रावा, उसके बाद फोन भी यहाँ बंद हो जाएंगे या मैसेज नहीं आएंगे, तो फिर अपना दिमाग खराब करना उस चीज के लिए। ये मेन मैसेज यही है कि सारे इकट्ठे रहो, क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद, अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को, चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह से। इशू सबको होता है, देखो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, अब इनके साथ 4G बंद हुआ ना तो यार जम्मू में सभी को प्रॉब्लम हो रही है, बिल्कुल 2 दिन तटों को छोड़ के, ठीक है ना, जो हर एक चीज को जिन्होंने सोचा हुआ कि बाप को ऑर्डर आएगा कुछ तो मतलब हमने वो जस्टिफाई करना ही करना है, वैसे उस पर कोई तुक्का बनती हो नहीं बनती, सर आपने अपना वर्ड यूज किया चिल्ड्रूस। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। अब आपको क्या ना, आपको लॉलीपॉप दिया हुआ है प्रधानगी का, पूछता आपको कुत्ता भी नहीं है, सीधी सी बात है, आपकी इज्जत ऐसी है,
ठीक है ना, दो तीन थे प्रधान मेरे को पहले, मेरे फ्रेंड लिस्ट में काफी देर से पहले थे क्योंकि सपोर्टर रहे हैं भाई साहब। हाँ। जब थोड़ी सी बात बोलो ना किसी और को अंकल करके कि तू भाई इसको मैसेज कर, पता लग जाता है भाई मेरे मिलोगे जैसे उसने बता भी दूंगा कौन था, ठीक है ना, बाद में अनफ्रेंड कर दोगे बात लगे कहीं ना कहीं तो जम्मू में मिलोगे छोटा सा ये जम्मू, ठीक है ना, ये चीज होती है। पर उसके पीछे मैंने थोड़ा तुम्हें कुछ बोला है, जो जेन्युइन इश्यूज हैं वो उठा रहे हैं तो तुम सपोर्ट करो ना। नहीं बड़ा अच्छा इनिशिएटिव, मैंने जैसे आपको बताया था ना कि यहूदियों पे पूरी दुनिया ने पत्थर मारे और उन्होंने उन्हीं पत्थरों से दीवार बना ली, दीवार बनाई और यरूशलेम की दीवार आज ऐसी बन गई कि आज यहूदियों को उस इलाके से कोई निकाल नहीं सकता। आपने वही काम किया कि लोगों ने पकौड़ा दिया आपने उनके लगा दिए मजा आ गया सर। आप सर सेम चीज है सर, देखो आपने एक सार्केस्टिक वे में लगा लो कि आप पे अटैक हुआ है, ठीक है, पकोड़े वाले आपने उसी को उठाया, ठीक है पकोड़े वाले तुम्हारे लगाएंगे हम भी इन माँ के पकोड़ों के लिए आप मुक्ति बन गए, वो पकोड़े दे रहे हैं आपने माँ के पकोड़े दे दिए उनको। आज मैंने बहुत कुछ सीखा है, अगर मैं बचपन बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है ऐसे, मतलब जम्मू में पहले तो था नहीं कुछ ऐसा। नाथ दे चेले दस किदा होवन गए निसुंदरा तेरे साडे मेले, दस किदा होवन गए निसुंदरा तेरे साडे मेले, कान उड़की जानी है नी पाके पानी विच मधानी, असी जोगी जंगला दे निसुंदरा तू महिला दी रानी, असी जोगी जंगला दे निसुंदरा तू महिला दी।